अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या क्या चीजें है वो बता दो। इन्वर्टर की लाइन जो मैंने मंगी है वो इसलिए मंगी है, इसका खुद का एक दिमाग है, अपना बायस पता रहेगा, कंप्यूटर में जो डालते से वो सेल रहता है, तो वो सेल रहने के कारण क्या है कि 3 घंटे से ज्यादा इसकी लाइफ नहीं है, 3 घंटे से ज्यादा ये चला जाएगा, बंद रहेगा तो ये अपना मेमोरी रिसेट कर देगा, यानी बंद कर देगा, जब भी चालू होगा जिस टाइम पे बंद हुआ उस टाइम से चालू होगा। जैसे कि अभी 19:05 हुआ है, समझो 3 घंटे से ज्यादा लाइट गई तो क्या होगा, ये यहाँ पे बंद हो गया 19:05 को तो बंद हो गया, और समझो रात को 12 बजे आई, पर सिस्टम के लिए 19:05 ही है 12 बजे में, वहां से वो अपना दिन चालू कर देगा। इसके लिए हमने इन्वर्टर का लाइन लिया हुआ, लाइट जाने के बाद जितना भी घंटा उसकी लाइफ है उतना घंटा इसकी लाइफ बढ़ेगी और ऊपर से 3 घंटा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो उसके लिए इन्वर्टर के लिए, फिर भी इन्वर्टर और ये दोनों मिलके भी दिन भर गया समझो लाइट, तो पहला आते ही इसका टाइम देखें, क्योंकि ये टाइम कुछ भी चेंजेस होता है तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, पूरा सिस्टम अपने हिसाब से चलाएगा, जब से वो टाइम लेगा उस हिसाब से। जैसे कि अभी का समझो रात के 11 बज रहे होंगे और 2 बजे का हमने रीजनरेशन के लिए डाला हुआ, तो वो अभी के 11 बज रहे हैं यानी 9 बजे वो अपना रीजनरेशन चालू कर लेगा, तो वो सारे जो प्रॉब्लम्स है वो टेक केयर करना है, तो आपको घड़ी देखना है और एक क्लॉक 24 घंटे के हिसाब से यानी 1 to 24, तो अभी 7 बज रहा है इसलिए 19:06 हुआ, तो इसको सेट कैसे करते हैं, तो सेट क्लॉक लिखा हुआ है, इसको 5 सेकंड दबा के रखना, ये ब्लिंक होगा, ये अप और डाउन है, जो भी टाइम आपको चेंज करना है वो सेट करना है, ये हवर्स है ये मिनट्स है, अभी मिनट चेंज करना है तो नेक्स्ट दबाया मिनट ब्लिंक हुआ और ऊपर नीचे करके टाइम सेट किया। सबसे पहला ये, दूसरा चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या है, इसके अंदर सॉल्ट का पानी से ही ये चलता है, सॉल्ट नहीं रहेगा तो पानी तैयार नहीं होगा सॉल्ट का, और सॉल्ट का पानी नहीं तैयार होगा तो सिस्टम काम नहीं करेगा, तो ध्यान क्या देना है, ये अभी मैंने 3 दिन के रीजनरेशन के हिसाब से रखे है, मैंने 2000 लीटर का मैं दिन का कंजम्पशन पकड़ रहा, तो ये दे रहा है 4000-5000, तो दूसरे यानी तीसरे दिन इसको मैं खुद को चार्ज करने के लिए रखा है सिस्टम की सेटिंग के। तो अभी क्या है कि एक टाइम पे ये सिस्टम 12 किलो सॉल्ट लेता है, यानी आप यहाँ पे 40 किलो डाल रहे हो तो डिवाइड बाय आप 12 आपका 3 रीजनरेशन होगा उसके अंदर, यानी 12वें दिन आपको यहाँ पे नमक देखना है या नहीं, यानी 10 दिन में एक बार आप खुद प्रैक्टिस करो उसका कि हमने 40 किलो डाला है तो कितने दिन में खत्म हो रहा है, एक बार आपको शेड्यूल पता चल जाएगा तो 40 किलो डाल के रखो, नमक हर दिन उसके अंदर है नहीं रहना, नमक नहीं है तो सिस्टम नहीं है, क्योंकि नमक ही पूरा वो काम करते हैं जो साफ पानी करते हैं, तो कभी भी ध्यान देना। दूसरी चीज नमक, ये हमेशा नमक को मेंटेन करके रखना, यस मेंटेन होना चाहिए, नमक खाली हो गया डाल दो। हाँ, तीसरी बात, इसके अंदर पानी है खुद डालता है, जैसे कि 12 किलो सॉल्ट को पानी होने के लिए उसको जितना भी लीटर पानी लगता है वो खुद डालता है, ठीक है, तो पानी रहेगा और उस टाइम पे नमक डाल रहे हो तो पानी निकालो मत, उसी के ऊपर नमक डालो, तो निकाल दोगे पानी तो सॉल्ट का सॉल्ट तो डाल दिया पर उसको पानी नहीं मिला तो सॉल्ट वाटर तैयार नहीं करेगा, तो जितना भी पानी है वैसे ही रखने का, ऊपर से सिर्फ सॉल्ट डाल दिया, कभी भी वो अंदर का पानी निकालने का नहीं, ठीक है। ये 3 चीज हो गया, चौथा इसका क्लीनिंग, ये चाबी है इसको संभाल के रखनी है, इसी से खुलती है, कोई भी बंदा क्लीन के आएगा उसके पास ये चाबी नहीं रहती है, क्योंकि कस्टमर के पास दी गई होती है, और जब भी क्लीन के लोगे एक सिस्टम से भी मंगा ये मिलता है, मिलता है मार्केट में, फिर भी ये क्लीन का ही लगता है, मार्केट का बाहर का लगता नहीं, इसलिए मंगा रखती है क्लीन, तो तकरीबन मेरे ख्याल से 600 रुपया का है, ये मिलेगा आपको 70-80 रुपये में मार्केट में, पर वो लगता नहीं है इसको, क्योंकि इसके जो नॉच है वो उसके हिसाब से बनाए गए, तो ये क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज घुमाना है, यहाँ पे घुमा लेफ्ट घुमाओगे तो ये खुल जाएगा, ये टाइम
इसको ऐसे निकलना है। इसका कलर देख लो एकदम दूध जैसा सफेद है। हर 15 दिन में इसको चेक करना है आपको पहले स्टार्टिंग में, क्योंकि बोरवेल से कितना गंदा पानी आ रहा है वो हम अंदाजे से नहीं बता सकते। बहुत ज्यादा गंदा आ रहा है, वे वैसे साल भर चलता है, तो बहुत ज्यादा गंदा आ रहा है तो 3 महीना भी मुश्किल से चलेगा, क्योंकि इसका काम है चौक टोना, क्योंकि ये फिल्टर से गंदगी नहीं रोकेगा तो पूरा सिस्टम में गंदा जला जाएगा। तो कभी भी ध्यान देना है कि ये चौक टो रहा है तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम यानी पानी बोरवेल से गंदा आ रहा है, ठीक है। तो इसको धोना है, धोने का भी एक तरीका है इसका। 15 दिन में देखो इसको खोलो, आपको अंदाजा आएगा कि कितना मट्टी बैठा है इसके ऊपर। तो धोते समय सबसे पहले अंदर पानी डालना, क्योंकि ये सिस्टम काम कैसे करता है, पानी पहले कंटेनर को भर देता है और कंटेनर से अंदर पानी प्रेशर से फेंकता है और यहाँ से पानी निकलता है, यानी फिल्टर पानी अंदर से निकलता है। तो कभी भी धोने तो पहले अंदर पे मट्टी को धोना है, क्योंकि जो भी बाहर से प्रेशर आता है तो अंदर एकदम बारीक मिट्टी रहती है, तो उसको धोना है सबसे पहले। फिर बाहर से ऊपर ही ऊपर पानी लेना है, इसको प्रेशर से नहीं धोना, जितना धो रहा है उतना ही धोना, क्योंकि एक बार ये फटेगा तो कोई काम का नहीं है, गंदा पानी आगे वेस्ट करेगा। सिर्फ ध्यान से धोने, सिर्फ अंदर पहले धोना, अंदर का मिट्टी निकलना, फिर ऊपर जितना सफेद हो सकता है उतना करना। कितने दिन में धोना है? 15 दिन में पहले पीरियड रखो, जैसे मैंने नमक का बोला आपको कि आपने 40 किलो डाला तो ऐसे 10 दिन में 15 दिन में चेक करो कि कब खाली हो रहा है। सेम थिंग इसको भी करना है, 15 दिन में एक बार धो और निकालो, धोना है नहीं धोना है पता चलेगा, फिर महीने भर में निकालो, फिर 2 महीने में निकालो, फिर एक बार पता चला आपको, महीने भर में पता चला कि मेरे महीने भर में धोने में काम हो रहा है, तो एवरी मंथ को सेम डेट फिक्स करो और धोते जाओ, तो ये साल भर चल जाएगा आपको। धोने यानी इसको फाड़ना नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, धोने यानी सिर्फ मट्टी निकालना है, हल्के पानी से मट्टी निकालना है। सबसे पहले तो अंदर पानी छोड़ना है, जिसके जो भी गंदगी है वो निकल जाएगी नीचे से, और ऊपर से सिर्फ हल्के पानी से धोना है, क्योंकि ये सफेद करते बैठोगे तो ये फट जाएगा, ये फिर से सफेद नहीं होने वाला, जो भी है अभी सफेद ही है उसकी। तो कितने बदलना पड़ता है बाद में? एक साल के बाद इसको बदलना, वो भी डिपेंड करता है, तुम्हारा वाटर अच्छा नहीं रहेगा तो इसको 3 महीने में भी 6 महीने में भी 9 महीने में भी बदलना पड़ेगा, और वो सारा प्रैक्टिकली तुमको पता चलेगा ये चलते समय। वो भी बताता हूँ कैसे देखना है, इसके लाइफ कैसे आपको देखना है, और ये ओ रिंग है, इसके बगैर ये लगेगा नहीं, नहीं तो लीकेज हो जाएगा, तो इसको लगाते समय ध्यान देना, इसको स्ट्रेट रखना है, रेड वाला स्विच का है। ये कैसे होता है, पानी के पहले हवा निकलता है तो एयर पकड़ लेता है, तो इनकेस ये खुल नहीं रहा तो इसको दबा के रखना है, तो एयर और पानी थोड़ा निकल आ जाएगा, तो थोड़ा रिलीज हो जाएगा, तो फिर ताकत लगेगा, तो नहीं खुल रहा इससे ज्यादा ताकत लगा तो ये सब टूट के हाथ में आ जाएगा। तो एयर निकालने के लिए पहले एयर निकालना है, तो पानी निकल जाएगा थोड़ा एयर और पानी, आवाज भी आ जाएगा फुस फुस। कितने किलो का थैला है वो? 25 किलो का सर। काम काम हलू हलू कर। ये मीटर का है वो प्रेशर मीटर है, वो अभी बताता हूँ कैसे, अभी वो मोटर बोरवेल चालू करो। कितने एचपी का है मोटर?
बोरवेल का मोटर पंप चलने के लिए कम से कम 4 bar प्रेशर चाहिए, ये जो रेड कलर में 4 दिख रहा है ना, तो सिस्टम क्योंकि इसको क्या इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती है ना, तो पानी के प्रेशर से ही ये काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये देखना सॉफ्टनिंग लिख के आता है। और क्या क्या फंक्शन है? और एक मेन चीज बताना भूल गया, ये प्री फिल्टर बदलने नहीं बदलने वो देखने के लिए नेक्स्ट दबा 47 LCM आ रहा है, 47 लीटर पर मिनट आ रहा है फ्लो पावर, तो ये जब भी चॉक्ड होगा। अरे प्रेशर गेज क्या लगती ना बदला, प्रेशर गेज कम बदल, ये जब भी चॉक्ड होगा तो इसका फ्लो कम हो जाएगा, यहाँ पे 47 दे रहा है, तो जैसे वो पानी का फ्लो कम चौक खराब होते जाएगा तो ये 47 से नीचे रिड्यूस होते जाएगा, 20-25 तक आएगा तो उसको बदलना, 20-25 तक आएगा तो साफ करना, नहीं बदलना तो चेंज कर देना, उसकी लाइफ खत्म हो गई। किसको? ये जो है ना, ये सफेद वाला अंदर का जो सॉफ्ट अंदर का दिखा है ना सफेद एकदम, अच्छा अच्छा वो, तो अभी नया है, एक टाइम उतना होने वाला है, अभी नया है, 47 दे रहा है एक्यूरेट, तो 15 दिन में देखो ये थोड़ा कम हुआ है नहीं हुआ है, वो देखो नहीं हुआ है, जब भी आगे भेजेगा हाउस से आपका ये टाकी में गया है पानी उधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक लाइन है, ये इनकेस कभी भी आपको लगा कि सिस्टम चल नहीं रहा है तो ये बंद करना है, इसको बंद करना है, इसको ओपन करना है, यानी आपका बोरवेल का पानी डायरेक्ट चला जाएगा, सिस्टम को पूरी तरह बाईपास कर देगा। ठीक है, तो फिलहाल ये दोनों चालू है, बाईपास को बंद किया हमने, यानी ऊपर डायरेक्ट बोरवेल का पानी नहीं जाएगा, सिस्टम के थ्रू ही जाएगा। ठीक है।